हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है 7 अननोन अमेजिंग साइंस फैक्ट्स सीरीज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पेस गार्बेज। अपने लूनर मिशन के अंत में बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने मून के ऊपर 100 अलग अलग मटेरियल्स फेंक दिए थे। सोचिए, इस धरती की सबसे एडवांस स्पीशीज ने चांद पर जाके भी कचरा फैला दिया। शायद ये भी एक वजह है कि एलियंस हमसे नहीं मिलने आते। जहां हम इंसान जाते हैं वहीं कचरा फैलाते, तो कौन मिलने आएगा हमसे आखिर? अब शायद मार्स की बारी है, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन तो मार्स ही है। अब भगवान ही बचाए मार्स को हमारे कचरे से। हाउ डीप इज द ओशन रियली? समुद्र बहुत गहरा है, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग नंबर्स भी बोलते हैं कि इतने महासागर 7000 मीटर 8000 मीटर गहरे हैं। पर इसको हम समझे कैसे? इसको समझिए पेरिस के 300 मीटर ऊंचे आईफिल टावर से। हाँ, मैं जानता हूँ आईफिल टावर जमीन पर है, पर आप इमेजिन करिए कि महासागर के सबसे डीप पॉइंट्स को, जैसे एक डेप्थ ऑफ 11000 मीटर, तो वो इतना गहरा होता है कि 34 आईफिल टावर्स एक के ऊपर एक रख दें तब जाके वो पानी के ऊपर आ पाएंगे। तो ये है समुद्र की गहराई का असली स्कोप। टाइम ट्रैवलर। एक इंसान है जो एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर चुका है। क्या कहा आपने? आपने वीडियोस देखे हैं जिनमें बताया है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, तो अब सुनिए पूरी बात। टाइम ट्रैवल करने वाले इंसान का नाम है सर्जी क्रिकालेव, जिन्होंने अर्थ का ऑर्बिट करते हुए 803 डेज बिताए। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार क्रिकालेव ने लगभग 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया है। कैसे? टाइम डायलेशन के कारण। टाइम डायलेशन क्या है, ये जानने के लिए इंतजार करिए हमारे स्पेशल वीडियो का, जो जल्दी आने वाला है। और जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आ चुका होगा तो आपको अभी स्क्रीन पर पॉप होते हुए दिखेगा। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो आप पास्ट में क्या चेंज करते हैं। और साथ ही साथ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। वियर्ड रिलेटिव्स, रिश्तेदार। ये नाम सुनते ही कुछ लोग के दिमाग में उनके फेवरेट कजन आते हैं, और कुछ लोग के दिमाग में कभी ना खुश होने वाले फूफा। ऐसे ही शिकारी हाइनास प्यारी सी कैट्स के रिश्तेदार होते हैं। देखने में भले वो डॉग से ज्यादा रिलेटेड लगे, पर एक्चुअल रिश्तेदारी इनकी कैट से ज्यादा है। बिवेयर ऑफ न्यूयॉर्कर। कई बार घर में सब्जी काटते हुए या कुछ किचन वर्क करते टाइम शायद आपकी चाकू से उंगली कट गई हो। बहुत दर्द होता है ना? अब सोचिए शार्क आपकी उंगली को काट ले तो? डर गए? डरिए मत, असली खतरा आपको शार्क से नहीं है, न्यूयॉर्कर से है। न्यूयॉर्क वालों से? कैसे? पिछले दशकों का डेटा देखें तो पता चलता है कि शार्क से कंपेयर्ड किसी न्यूयॉर्क वाले द्वारा आपकी उंगली को बाइट किए जाने का चांस 10 गुना ज्यादा है। जी तो अगली बार आप आयरन मैन से न्यूयॉर्क मिलने जाएं तो उससे आयरन गॉन्टलेट भी मांग लीजिएगा, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए आपको। रैट्स वर्सेस ह्यूमंस। ड्रग एडिक्शन एक बहुत बुरी हैबिट जो तेजी से दुनिया में स्प्रेड हो रही है, पर चूहे या रैट्स हमसे इस मामले में बेहतर हैं। क्या मैं इंसान को रैट्स से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि केजेस में जो रैट्स होते हैं, अगर उनके पास कुछ करने को हो तो वो ड्रग्स को छूते तक नहीं। पर हाँ, बिल्कुल हमारी तरह ही अगर उनको काम के बीच में खाना दिख जाए तो वो एक सिंपल टास्क भी नहीं कर पाते। एक सेकेंड, क्या मैंने इंसान और चूहे को बराबर बना दिया? शायद। इमॉर्टल हनी। हनी कभी खराब नहीं होता, ये तो आपने सुना होगा, पर ऐसा क्यों है कि हजारों साल पुराने ममीज के साथ मिले हनी के जार्स कभी खराब नहीं हुए? ये क्या मैजिक है भाई? ये मैजिक नहीं, साइंस है। एक्चुअली हनी में 80% शुगर होता है, जिसे फंगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसके बाद फॉलो करने वाला फर्मेंटेशन नहीं हो पाता। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए शायद आप अपनी दादी या दादा के द्वारा गिफ्टेड हनी कहीं रख के भूल भी जाएं तो वो खराब नहीं होगा।
मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 7 अननोन अमेजिंग साइंस फैक्ट्स से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली बार।